रेलवे अस्पताल में की गई मरीजों की ऑक्सीजन बंद। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के रेलवे अस्पताल में उस समय हंगामा हो गया जब मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी गई। जैसे ही मरीज के तीमारदारों को पता चला तो तीमारदारों ने डॉक्टर से बात करनी चाही, लेकिन डॉक्टर ने कोई भी बात नहीं की, जिससे गुस्साए तीमारदारों ने अस्पताल परिसर में लाते घूसे चला दिए और हंगामा करना शुरू कर दिया, जिससे अस्पताल स्टाफ ने सभी तीमारदारों को अस्पताल के बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया और मरीज को तड़पने के लिए छोड़ दिया। तो वहीं रेलवे अस्पताल में किसी भी मरीज को सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं और ना ही कोई डॉक्टर मरीज को देखने आता है, बस वार्ड बॉय ही मरीज को दवा लगाकर चले जाते हैं। सिर्फ स्क्रीन पर नंबर शो कर रखे हैं जिस पर कॉल करके ही डॉक्टर से संपर्क किया जाता है। कोई भी मरीज को नहीं पानी दिया जाता और ना ही खाने को कुछ दिया जाता है, और तीमारदार पानी भी देते हैं तो उन्हें तुरंत बाहर कर दिया जाता है। रेलवे अस्पताल में 35 मिनट तक बंद रही ऑक्सीजन, अंदर से मरीज के चीखने की आवाज़ें आती रहीं जिसमें बचा लो मुझे मरीज कह रहे थे, और जब डॉक्टर से तीमारदारों के द्वारा बात की तो डॉक्टरों ने कहा सरकारी अस्पताल है ये, यहाँ प्राइवेट की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। और जब सीएमएस साहब से बात करनी चाहिए तो सीएमएस साहब कैमरे के सामने बचते हुए नजर आए। आप स्वयं देख सकते हैं रेलवे अस्पताल का ये हाल है जहाँ डॉक्टरों की मनमानी चलती आ रही है। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। हमारा अंदर तड़पा बहन चो तो कोई शर्म नहीं है। अरे अरे ऑफिस भाई, नहीं नहीं अभी खत्म नहीं हुई है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चेंज ओवर की गई थी, ठीक है, उसका प्रेशर कम था, वो चेंज ओवर की गई थी, वो सिलेंडर लगा के तुरंत उसको स्टोर किया गया था, कोई समस्या नहीं है। प्लीज, नहीं खत्म नहीं हुई है, खत्म नहीं, प्रेशर कम हुआ था, उसके लिए सिलेंडर शिफ्ट किया गया, ये सिलेंडर पे शिफ्ट किया गया, ठीक है। मुझे अभी मैनेज किए दीजिए, मीडिया को भी तो दे दीजिए। सुनिए, आपके साथ आपने पूरा देख लिया है, थोड़ा मुझे सिचुएशन बच नहीं रहे हैं, नहीं सवाल है, बता दे, बस ना ले जाइए, जी थोड़ा दूर रखे, दूर रखे हम लोगों का पेशेंट जो यहाँ बैठ रहे रेलवे अस्पताल है, ये तो ये वाली बात आ रही है कि ऑक्सीजन खत्म हो गई, क्या ऐसा था? नहीं, ऑक्सीजन खत्म नहीं हुई है, ऑक्सीजन का ब्रेक हुआ, क्या हुआ? ऑक्सीजन का प्रेशर लो था, उसको सिलेंडर शिफ्ट किया गया है। अच्छा, आपके सामने अभी हमारे सामने भी वो थोड़ी व्यवस्थाओं को लेकर बात हो रही है, वो हम देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं, पानी मिल रहा है, आरओ लगा हुआ है, अंदर पानी मिल रहा है, बराबर आरओ लगा हुआ है, सब पानी मिल रहा है, पानी मिल रहा है ना, मिल रहा है। प्लीज भैया एक मिनट साइड हो जाइए भैया। नाम सुमित है। सुमित जी, क्या दिक्कत होगा? एक तो डॉक्टर्स का भी कोई बाहर आते नहीं है, पीपी किट पहन के बाहर नहीं आते हैं, बस वार्ड वाई आते हैं, वो साफ सफाई करते हैं और अपने इंजेक्शन वगैरह लगा के चले आते हैं। वो एक नंबर उन्होंने डिस्प्ले कर रखा है, बोले आपको जो भी कॉल करनी है इस नंबर पर कॉल करिए, हम आपसे फ़ोन पे बात करेंगे, मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करेंगे आपसे। तो ये क्या तरीका हुआ? डॉक्टर देख ही नहीं रहा, वार्ड वाई देख रहा है, नहीं जाना चाहिए, वो आप कह रहे कि आप व्यवस्था फैलाते हैं लोग। तो सर अगर हम लोग अंदर ठीक है नहीं जाएंगे तो कम से कम अटेंड तो करें, कोई पानी तो पिलाए किसी को, पेशेंट पानी मांगता रहता है, पीपी किट में उन्हें आवाज़ ही नहीं जाती है कि क्या कह रहा है पेशेंट, तो फिर कैसे होगा? इतने बूढ़े मरीज भी हैं, हर तरीके का अंदर मरीज है, तो कम से कम या तो वो खुद जाके पूछें, कोई साफ सफाई वाला करने वाला नहीं है, पेशाब कराने वाला कोई नहीं है, तो कौन करेगा फिर बताइए। ऑक्सीजन करीब तकरीबन 40-45 मिनट के लिए बंद हो गई थी, अचानक बंद हो गई, हमें पता ही नहीं चला ऑक्सीजन बंद पड़ी हुई है, बताइए ये व्यवस्था है। अभी आप देखिए, और कहते हैं कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ प्राइवेट जैसी सुविधा नहीं मिल सकती है। आप देखोगे फिर से गेट बंद है, फिर गेट बंद कर दिया उन्होंने। अगर वो अटेंड करते हैं तो आप लोग ना रहे। सर मैं तो कह रहा हूँ अटेंड कर, आप अटेंड करने